स्टार्ट गुड मॉर्निंग बच्चो राइट नाउ कम टू दिस अगेन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस इकोनॉमिक्स, द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। राइट लेक्चर नंबर फोर है पहले से लेके लेकिन जस्ट अपन ने कल ही एक नया टॉपिक चालू किया है फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है दैट इज चैप्टर नंबर टू यूटिलिटी एनालिसिस राइट कल ही अपन ने स्टार्ट किया था पहले इसको रिवाइज करेंगे एंड देन फिर आगे जाएंगे राइट right? ओके okay. कल भी आपने एंजॉय किया था आज भी करेंगे और इसके आगे एंड तक एंजॉय करते रहेंगे राइट ओके सो स्टार्टिंग विद दिस रिवीजन यूटिलिटी अपन ने देखा यूटिलिटी हु हैज प्रोपाउंडेड द यूटिलिटी फास्ट आपने बैठे बैठे आंसर देने एज आई सेड कि आपने जोर जोर से आंसर देने हैं घर पे भी राइट सो हु हैज प्रोपाउंडेड द यूटिलिटी द क्रेडिट गोस टू डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल करेक्ट क्रेडिट गेस्ट ग्रोस टू डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया दो लॉज रखे इस दुनिया के सामने नंबर वन पहला रखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकंड रखा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी राइट ये दो दो लॉ रखे यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ये दो लॉ के जरिए से इन्होंने समझाया है दुनिया को राइट right? लेकिन अपनी खुशनसीबी ये है कि अपने सिलेबस में ओनली अपना लॉ ऑफ

कमोडिटी फिर से बोलेंगे इट इज करेक्ट वॉन्ट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी राइट अपने एग्जाम्पल देखे एग्जाम्पल देखे बाइक आप यूज कर रहे हो राइट यू आर यूजिंग द बाइक इट है साइकिल इट हैज यूटिलिटी मोबाइल फोन पेन जो चीज आप यूज कर रहे हैं उसको यूटिलिटी है द थिंग विच यू आर यूजिंग हैज यूटिलिटी राइट right? ओके okay, ये एग्जांपल्स अपन ने देखे देन मीनिंग ऑफ यूटिलिटी में देखेंगे कि सभी कमोडिटीज कुछ यूनिट में मेजर की जाती है ऑल द कमोडिटीज आर बीइंग मेजरर्ड इन टर्म्स ऑफ सम यूनिट्स तो वैसे यूटिलिटी वैसे देखा जाए तो वी नो दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूटिलिटी डिटरमाइन नहीं हो सकती आपने पानी पिया खाना खाया पेड़ भर गया कितना बोल नहीं सकते कितना बोल नहीं सकते राइट right? लेकिन यहां पे आगे स्टडी करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यूटिलिटी का काउंटिंग हो जाए क्वांटिटी में आगे के जो लॉ पढ़ने हैं वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप एजम्पन देते हो कि यूटिलिटी काउंट कर सकते हैं तो ये आपको एजम्पन देना पड़ेगा तो उस एजम्पन के बेसिस पे उसको भी कोई यूनिट ऑफ मेजर चाहिए ना जैसे अपन ने देखा था कि वॉटर कैन बी यूज कैन बी मेजर लीटर क्लोथ कैन बी मेजर्ड इन मीटर देन स्टील कैन बी मेजर्ड इन Tons, वैसे यूटिलिटी का मेजर क्या है इट इज यूटिल्स यूटिलिटी का मेजर है यूटिल्स राइट सो यहां द बेसिक एजम्पन ऑफ द यूटिलिटी दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कार्डिनल कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट बोलेंगे इसको बोलेंगे कार्डिनल कॉन्सेप्ट राइट दिस इज कॉल्ड एज

मूवी कैन गिव द यूटिलिटी टू पर्सन कैन सी फॉर अस मूवी गिविंग यूटिलिटी बट फॉर अ यूटिलिटी राइट सो देर आर मेनी ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे मैंने आपको बोला है कि ऐसे भी करते हुए जो यहां पे लिखे हैं एग्जाम्पल इसके अलावा एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो प्रैक्टिस करो राइट right? सो so यहां पर बहुत सारे अपने न्यूज का भी एग्जाम्पल देखा राइट इट कैन बी रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन इट इज गिविंग यूटिलिटी टू ओनली द पर्सन हु इज लिटरेट बट द पर्सन हु इज इलिटरेट उसको कोई फायदा नहीं है एज फार द रीडिंग इज कंसर्न राइट ओके देन रिलेटिव इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब कोई चीज कोई सिचुएशन में कोई प्लेस पे यूटिलिटी देगी कुछ प्लेस पे यूटिलिटी नहीं देगी वही कमोडिटी कुछ टाइम पे यूटिलिटी देगी कुछ टाइम पे यूटिलिटी नहीं देगी वही कमोडिटी जैसे सब्जेक्टिव में भी अपने देखा कोई पर्सन को यूटिलिटी देगा कोई पर्सन को यूटिलिटी नहीं देगा से फॉर एग्जाम्पल इन इज राइट कैन ऑल्सो गिविलिटी राइट सिमिलरलीफरेंट टाइप ऑफ क्लोज जैसे फॉर एग्जाम्पल वुलटेरियल मटीरियल इज गिविंग यूटिलिटी टू यू इन विंटर बट इट इज नॉट गिविंग यूटिलिटी इन समर राइट सिमिलरली यू कैन हैव मेनी एग्जांपल्स राइट सो हियर रिलेटिव कॉन्सेप्ट रिलेटिव कॉन्सेप्टिटी डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलिस यूटिलिटी मीन्स यूज बट यूटिलिटी डॉट मीन यूजफुलनेस यूटिलिटी डजनॉट मीन यूजफुलनेस राइट ओके मीन्स यी है Uh, the people are taking liquor the people are taking liquor right people are taking liquor right but here whether liquor is useful for the health ऑफ कोर्स नॉट लीकर इज नॉट यूजफुल फॉर द हेल्थ सो यहां पे अपन देख रहे कैसे हाल हो जाता है लीकर लेने के बाद सो इट इज नॉट तो तो ये तो फिजिकल बाहर का बॉडी और लेकिन अंदर का बॉडी इट इज एनी कैन बी कॉज मेनली द कैंसर आप टीवी पे भी एडवर्टीजमेंट देखते होंगे जब मूवी देखने के लिए जाते हो तो डेफिनेटली वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं वो टीवी इसका लीकर का एग्जांपल ले लो सिगारेट का ले लो ड्रग्स का ले लो कोई भी ले लो राइट right? ओके okay.

राइट right. जैसे ऑफ़ इज़ इज़ यूजिंग द गन सोल्जर इज यूजिंग द गन राइट सो इट इज अच्छा यूज है या बुरा यूज है एनिमी राइट सो हियर लेकिन वही गन अगर थीप लेता है चोर लेता है चोर गन लगा के अगर रॉबरी करता है राइट right, लूट करता है तो वेदर उस गन का यूज ये अच्छा यूज हुआ या बुरा यूज हुआ ऑफकोर्स बुरा यूज हो गया ऑफकोर्स बुरा यूज हो गया राइट सो हियर गन यूज हो रहा है लेकिन अच्छा यूज बुरा यूज ये उसको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो इट इज न्यूट्रल इट इज न्यूट्रल अपन एग्जांपल सूरी का भी देखा चाकू का भी देखा घर में मम्मी सब्जी कट कर रही है तो यूज हो रहा है सब्जी कटिंग के लिए अच्छा यूज है अच्छा यूज है लेकिन वही नाइफ अगर मैं जाऊ बैंक में और लूटने के हिसाब से बैंक मैनेजर को लगा रहा हूं बैंक लूट रहा हूं सो so, उस चाकू को मालूम है क्या मेरा कौन सा यूज हो रहा है नहीं मालूम तो अच्छा हो बुरा हो यहां पे न्यूट्रल है यूटिलिटी कॉन्सेप्ट न्यूट्रल है राइट इट इज कलरलेस है उसको अच्छाई का कलर मालूम नहीं बुराई का कलर मालूम नहीं उसको एक ही मालूम है यूज राइट ओके देन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट राइट right, इंटेंसिटी मतलब चाहत कितना है जैसे एग्जांपल अपन ने देखा था आप एकदम भाग दौड़ के दौड़ के भागते भागते घर पे आ गए और आपको इस तरीके से आप पानी पियोगे राइट right, इस तरीके से पानी पियोगे लेकिन आप अभी लेक्चर कर रहे हो जस्ट दस मिनट पहले पानी पी के बैठे हो आपको और एक ग्लास पानी दिया जाएगा तो उतना इंटेंसिटी नहीं है आपका सो यहां पर मोर द इंटेंसिटी मोर इज द यूटिलिटी लेस द इंटेंसिटी लेस इज द यूटिलिटी इट सो यर डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट देन देन इंक्रीजेस विथ नॉलेज इंक्रीजेस विथ नॉलेज जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ते चला जाता है वैसे वैसे यूटिलिटी बढ़ते चला जाता है बिकॉज से अपने एग्जाम्पल भी देखेंगे जैसे कंप्यूटर लिया आपने नया तो पहले तो ठीक है शटडाउन करेंगे एक आधा प्रोग्राम देखेंगे ये करेंगे वो करेंगे लेकिन जैसे जैसे आपको यूज मालूम पड़ता है कि क्या क्या है फिर उसमें वेब कैमरा भी आपको दिखता है वेब कैमरा के बारे में आप जानते हो उसमें बाकी डिजाइनिंग के फंक्शन को आप जानते हो जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ते चला जाता है वैसे वैसे उसका यूटिलिटी बढ़ते चला जाता है एग्जाम्पल अपन ने देखा मोबाइल है मोबाइल पहले आप ले लिया यूज करेंगे बात करने के लिए यूज करेंगे मैसेज के लिए यूज करेंगे फिर फोटो के लिए आप यूज करोगे फिर सेल्फी के लिए और अभी तो आपको मालूम है आप सेल्फी किस तरीके से भी निकाल सकते हैं इतना डेवलपमेंट आपने कर लिया उसी मोबाइल में क्यों बिकॉज उससे जानकारी आपकी बढ़ गई जितना ज्यादा नॉलेज आपको मिल गया उतना यूटिलिटी आप लेने लगे क्लियर है क्लियर है राइट ओके सो इट इंक्रीजेस ऑलवेज विथ द नॉलेज नॉट सेम एज प्लेजर हर टाइम आपको यूटिलिटी आनंद देगा क्या प्लेजर देगा क्या सुख देगा क्या नहीं देगा आपको पेन भी देगा दुख भी देगा राइट पेन भी देगा दुख भी देगा लेकिन वो सुख के लिए देगा राइट अपन एग्जांपल एग्जाम्पल देगा मेडिसिन कड़वी होती है राइट अपन लेते हैं कड़वी है अच्छी नहीं लगती है लेकिन ठीक करती है लेकिन ठीक करती है राइट जैसे अपन ने एग्जांपल देखा इंजेक्शन का एग्जांपल देखा अपन ने इंजेक्शन अच्छा है क्या नहीं है खाऊ दे रहे हैं क्या नहीं है तो डॉक्टर बोले आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा तो आप बोलेंगे, देना, 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 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। नहीं, इंजेक्शन तो को यस लेकिन दर्द दे रहा है यस राइट तो ये भी ऊपर बच्चे का एग्जाम्पल देखा बेचारा रो रहा है लेकिन अच्छे, उसके अच्छे के लिए इंजेक्शन दे रहे हैं राइट ओके ओके नाइदर विजिबल नॉर मेजरेबल ये दिखती नहीं है दिखती क्या आपको नहीं है नहीं है आपका पेट भर गया कितना भरा पूरा भर गया सेटिस्फैक्शन मिल गया हाँ यूटिलिटी मिल गया हाँ बताओ कितनी बोल पाओगे नहीं है आप बताओगे हाँ देखो ये इतना हो गया. बोल पाओगे नहीं राइट सो इट इज नाइदर विजिबल नॉट मेजरेबल ऑल्सो आप काउंट कर पाओगे नहीं है ठीक है बेसिक एजम्स दिया है वो एदम्सन में देखेंगे कि ये काउंट कर सकते एन है जो रियालिटी नहीं होता है उसके लिए एजम्पन देना पड़ता है तो यहां पे भी अपन एजम्शन देंगे कि यूटिलिटी कैन बी कंप्यूटेड वो एडम्पन में होगा यहां पे रियलिटी पे बात कर रहे हैं तो इट इज नाइदर विजिबल नॉर मेजरेबल नाइदर विजिबल नॉर मेजरेबल दिख भी नहीं सकती काउंट भी नहीं कर सकते देन मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल वही उससे ही रिलेटेड कंप्यूट नहीं कर सकते लेकिन यार आगे आगे जाके अपने को स्टडी करना है आगे जाके अपने को लॉ पढ़ना है तो लॉ के लिए जब तक क्वांटिटी में नहीं आते तब तक कैसे एक्सप्रेस करेंगे तब तक समझेंगे कैसे इसलिए अजंपशन दे दिया कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हाइपोथेटिकल नोशनल है हाइपोथेटिकल मानना है सिर्फ राइट अज्यूम अज्यूम करना है एक्चुअल में नहीं है जैसे यहां पे ये मैंगो खा रही है सेटिस्फैक्शन मिल रहा है लेकिन बता सकते हैं क्या कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है नहीं, नहीं है सो इट इज नाइदर मेजरेबल नॉर नॉर विजिबल ऑल्सो राइट देन यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन ये अपन ने देखा कि यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंज़म्पशन। यहां पर देखा यूटिलिटी इज कॉज ऑफ कंजम्पशन और कंज्यूम करने के बाद जो मिलेगा वो आपका सेटिस्फैक्शन है नहीं right? यूटिलिटी जैसे आपको प्यास लगी है तो पानी यूटिलिटी देगा प्यास लगी है तो पानी यूटिलिटी देगा और पानी कंज्यूम करने के बाद जो आएगा वो आपका सेटिस्फैक्शन होगा वो आपका सेटिस्फैक्शन होगा बराबर है तो वैसे देखा जाए तो दो चीजें डिफरेंट है यूटिलिटी कॉज ऑफ कंजम्पशन है और कंजम्पशन का रिजल्ट सेटिस्फैक्शन है राइट right? लेकिन आगे जाके अपन ने सेम मानेंगे इज िटी मींसैफैक्शन लेकिन वैसे देखा जाए और डीप में जाके देखेंगे तो यह दोनों डिफरेंट है राइट दिस इज वन ऑफ द फीचर ग्लास ऑफ वॉटर है कैपेसिटी टू सेफ्टर गेटिंग दैट वॉटर आफ्टर ड्रिंकिंग दैट वॉटर जो मिलता है वो सेटिस्फैक्शन राइट ओके देन सेकेंड लास्ट इज मल्टीपर्पज वन थिंग कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पजेस यूटिलिटी मल्टीपर्पज है जैसे एग्जाम्पल मिल्क है यू कैन चाय बना सकते हैं कॉफी बना सकते हैं देन स्वीट बना सकते हैं मिल्कशेक बना सकते हैं आइसक्रीम बना सकते हैं right? राइट फिर भी जो चाहे वो आप इसमें से ले लेना घर पे राइट ओके यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड आप कोई भी चीज क्यों डिमांड करते हो बिकॉज उसको यूज है आपने गाड़ी ले लिया क्यों यूज है आपको मतलब यूज इन द सेंस आपको उसे बाहर जाना है ट्रांसपोर्ट करना है ट्रैवलिंग करना है राइट आपको आपने पेन लिया क्यों बिकॉज पेन को यूटिलिटी है आपको लिखना है इसलिए तो आपको लिखना है यूटिलिटी उस पेन को है इसलिए डिमांड कर रहे हो मतलब हर चीज के डिमांड के पीछे कौन है यस यूटिलिटी है हर चीज के पीछे कौन है यूटिलिटी राइट देखा नाउ लेट प्रोसीड यहां तक आई थिंक अपन ने कंप्लीट किया था इसके आगे पढ़ेंगे अभी राइट right? इसके आगे पढ़ेंगे राइट right? तो यहां पे अपने पूरे बारह के बारह कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अपने कंप्लीट हो गए राइट ओके सो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे फिर आएंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पे। यहां पे आएंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी यूटिलिटी के टाइप्स कौन से कौन से हैं राइट वेरी सिंपल वेरी सिंपल अपने सभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पढ़ना है वेरी वेरी सिंपल देन फर्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी फर्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी राइट व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म यूटिलिटी फॉर्म यूटिलिटी मीनस फॉर्म यूटिलिटी मीन्स एक रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल का फॉर्म कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में नाउ फिनिश गुड्स यूज कर सकते हैं यस नाउ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं कि एज इट इज नहीं यूज सकते एंड अंटिल उसको कन्वर्ट किया जाएगा फिनिश गुड्स में एंड अंटिल उसको कन्वर्ट किया जाएगा फिनिश गुड्स में क्लियर है राइट सो यहां पे द यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द कमोडिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द कमोडिटी राइट यहां पे कमोडिटी का फॉर्म यूज करेंगे फॉर्म चेंज करेंगे और फिर चेंज करने के बाद वो कमोडिटी यूजेबल हो जाएगी दैट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्म यूटिलिटी राइट ओके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इन शॉर्ट रॉ मटेरियल गेट कन्वर्टेड इन टू फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स में राइट ओके सो इज फॉर्म यूटिलिटी फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल से रॉ गुड है आवाज आ रहा है आपको कट करने का राइट right? तो इसको कट करेंगे इसको कट करेंगे अच्छा एज इट इज एज इट इज यूज कर सकते हैं क्या नहीं तो इसको कट करेंगे और कट करके उसको लेबर अप्लाई करके उसको अपने एक टीपॉय बना सकते हैं, right. राइट उसको अपन एक चेयर बना सकते हैं, right. राइट उससे अपन एक अगेन टीपॉय बना सकते हैं टेबल बना सकते हैं राइट दिस कैन बी यूज ये आप यूज कर सकते हो बट वेदर दिस वुड कैन बी यूज एज इट इज नो तो वॉट वी हैव वॉट वी हैव डन वी हैव कन्वर्टेड द रॉ फॉर्म ऑफ द वुड इन द फिनिश फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर द फॉर्म ऑफ फर्नीचर सो इन दैट केस इन दिस केस द फर्नीचर कैन बी यूज मतलब अपने कौन सा यूटिलिटी क्रिएट किया कौन सा यूटिलिटी क्रिएट किया फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट किया वी है फॉर्म चेंज करके रॉ से फिनिश्ड फॉर्म में लेके आए इट इज फॉर्म यूटिलिटी क्लियर है क्लियर है राइट सो हियर फॉर्म यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी क्रिएटेड बाई चेंजिंग दफ दमांड राइट ओके तो आपने कल तक हेड पॉइंट लिखे थे अभी जितना मैं बोलूंगा उतना लिखना है हेडिंग देना टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हेडिंग देना टाइप्स ऑफ यूटिलिटी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी होप पेन और बुक लेके बैठे हैं ऑफ़ कोर्स देन नंबर वन फॉर्म यूटिलिटी फॉर्म यूटिलिटी फॉर्म यूटिलिटी नीचे एक लाइन में लिखना है द यूटिलिटी क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द कमोडिटी यूटिलिटी क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी Utility created by changing the form of the commodity is called as farm utility. It's called as farm utility. Right? For example, raw wood is converted into furniture. For example, raw wood is converted into furniture. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल रॉ कॉटन रॉ कॉटन रॉ कॉटन हियर कैन बी कन्वर्टेड इन टू द ब्रांडेड टी शर्ट्स राइट देन देन द शर्ट्स देन जी राइट अभी नया फैशन है ना भैया आपको ही मालूम है हमसे ज्यादा राइट right? ऐसे फटे हुए कोई नया बोलते हैं ऐसे फटे हुए कोई नया बोलते हैं में जमाना बदल गया है अभी क्या करेंगे राइट सो यहां पे दिस इज द एग्जांपल रॉ कॉटन कैन बी कन्वर्टेड इन टू क्लोथ सो वी के नॉट यूज द कॉटन एज सच रॉ कॉटन यूज कर सकते क्या नहीं तो उसका फॉर्म चेंज कर दिया और उसके क्लोथ फिनिश्ड क्लोथ बनाए बी यूज सो कौन सी यूटिलिटी क्रिएट की फॉर्म यूटिलिटी रॉ कॉटन को बना फॉर्म चेंज कर दिया फिनिश क्लोथ्स में सो इट इज क्रिएटेड फॉर्म यूटिलिटी मेनी एग्जांपल्स आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप बोल सकते हो जैसे घर में सब्जी लेके आते हैं वैसे ही खाते क्या कच्ची सब्जी नहीं है तो उसको क्या करते हैं मम्मी पकाती है उसको और फिर सर्व करती है तो यहां पे अगेन फॉर्म फॉर्म क्रिएटेड पर क्रिएटेड राइट सो थाउजेंड ऑफ एग्जाम्पल्स हैं आपके रोज के राइट right? तो इससे भी आपने दो चार एग्जाम्पल आपने खुद होके लिखना है क्लियर है ओके देन नेक्स्ट प्लेस यूटिलिटी प्लेस यूटिलिटी नाउ जैसे फॉर्म यूटिलिटी में था यू कैन क्रिएट द फॉर्म यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द कमोडिटी तो यहां पे सिमिलरली यू कैन क्रिएट द प्लेस यूटिलिटी बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ द कमोडिटी बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ द कमोडिटी राइट सो वेरी सिंपल व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस सो इट इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी इट इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी सो फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मैंगोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर अभी सीजन ही चल रहा है राइट से यहां पे फॉर एग्जाम्पल हियर हपूस जिसको अपन बोलेंगे अल्फोंसो तो ये क्या करते हैं ये तो बनता है मेनली रत्नागिरी में देवगढ़ में राइट right? लेकिन वहां से वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट right, यहां अल्फोंसो मैंगो है ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट किया जाता है मतलब क्या करते हैं ये है कहां पे ये है से फॉर एग्जांपल देवगढ़ या फिर ये है रत्नागिरी में राइट right, तो ये यहां पे है यहां से कहां पे ट्रांसपोर्ट करते हैं ये मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करके आप ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको भेज रहे हैं मतलब यू आर क्रिएटिंग विच यूटिलिटी प्लेस ऑफ द कमोडिटी एंड क्रिएटिंग यू आर एनहेंसिंग दूटिलिटी अभी जितना वहां पर जाता है उधर ही खाया जाता है क्या नो no. राइट right. जैसे अनादर एग्जाम्पल यू कैन से ग्रेप्स ऑफ नासिक राइट ग्रेप्स ऑफ नासिक राइट इवन एपल्स ऑफ कश्मीर पूरे कश्मीर में है क्या नहीं वहां पर बनाए जाते मतलब उगाए जाते हैं पकाए जाते हैं right. राइट वो क्योंकि बिकॉज एक्सपोर्ट करने हैं पूरे इंडिया में देने हैं इसलिए राइट ऑरेंजेस ऑफ नागपुर अगेन एग्जाम्पल मेनी थाउजेंड ऑफ एग्जाम्पल इसके हर एक पॉइंट के लिए आपको हजारों एग्जाम्पल है इसके इसके लिए हजारों एग्जाम्पल है आपके लिए क्लियर है नहीं सो यहां पे कौन सा यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं प्लेस यूटिलिटी फटाफट सेकंड लिखेंगे फटाफट फड़ लिखेंगे सेकंड प्लेस यूटिलिटी प्लेस यूटिलिटी िटी ऑफ अ कमोडिटी अभी प्लेस यूटिलिटी यहां पर सिंपल लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे यूटिलिटी क्रिएटेड यूटिलिटी क्रिएटेड बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ द कमोडिटी यूटिलिटी क्रिएटेड बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी ज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यर्स ट्रांसपोर्टिंग मैंगोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर सो यू मेनली यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशन मोड तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज किए जाते हैं वहां पर जनरली प्लेस यूटिलिटी क्रिएट की जाती है राइट ट्रांसपोर्टिंग मैंगोज और यू मे से ट्रांसपोरिंग द कमोडिटीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर इट इज क्रिएटिंग द Place utility, creating the place utility, right? Okay. Then, next important time utility. Next important is time utility. So, time utility means making available the goods whenever required, making available the goods whenever required. जहां पे जिस टाइम पे आपको चाहिए वहां पे अवेलेबल करके देना दैट इज नथिंग बट द टाइम यूटिलिटी दैट इज नथिंग बट द टाइम यूटिलिटी राइट मेनी एग्जांपल्स वी कैन गिव मेनी एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड पेशेंट को ब्लड चाहिए राइट right? तो ब्लड अवेलेबल करना जब पेशेंट को चाहिए तब टाइम यूटिलिटी हो रहा है टाइम यूटिलिटी हो रहा है बारिश हो रहा है आपको रेनकोट देना है टाइम यूटिलिटी हो रहा है टाइम यूटिलिटी हो रहा है राइट सो मेनी एग्जाम्पल जैसे यहां पे भी अपन देखेंगे पहले तो मीनिंग अपन ने जस्ट फिर से रिपीट करेंगे इट इज क्रिएटेड बाय मेकिंग अवेलेबल द गुड्स एट द टाइम वेन रिक्वायर्ड एट द टाइम वेन रिक्वायर्ड इन फैक्ट देर इज नो चेंज इन द फॉर्म दर इज नो चेंज इन द फॉर्म अमरेला आपको देना है से रेन है या फिर रेनकोट देना है रेनी के रेनी सीजन में तो आपका फॉर्म चेंज हो रहा है क्या रेनकोट वही है मरेला वही है सिर्फ रेन के टाइम पे अवेलेबल करके देना है तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करना है राइट एंड हियर कि इट इज मेकिंग अवेलेबल द गुड्स वे रिक्वायर्ड जब रिक्वायरमेंट हो तब देना है राइट right? ओके okay. जैसे ब्लड है अभी एग्जाम्पल अपन ने देखा राइट right? तो ब्लड है तो ब्लड जब अवेलेबल जब चाहिए तब अवेलेबल करके देना पेशेंट को दट इज टाइम यूटिलिटी देन बुक है बुक है मतलब बुक अवेलेबल कब करके देना है जब आपकी एग्जाम आ जाए तब बुक की यूटिलिटी ज्यादा होती है आपको तब बुक की बहुत सारे बच्चों को तो एग्जाम पे टाइम पे ही बुक का यूटिलिटी होता है बिकॉज साल भर देखते ही नहीं है राइट सो यहां पे बुक्स जब एग्जाम आती है तो बुक का यूटिलिटी बढ़ जाता है टाइम पे बढ़ जाता है सीजनल क्लोथ सीजनल क्लोथ राइट सो जैसे फॉर एग्जाम्पल विंटर या जर्किन है या फिर स्वेटर है विंटर का टाइम है तो आपको स्वेटर लगेगा क्लियर है जब समर है तो आपको सन कोट लगेगा सो वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड मेकिंग अवेलेबल एट दैट टाइम ठीक अनादर अनादर केस अनादर एग्जांपल। सी अभी आप जब दिवाली के टाइम पे अगर आपको घर पे शादी है और आपको मेहमानों को खिलाना है मैंगो का रस आपको आम रस खिलाना है लेकिन दिवाली के टाइम पे सीजन होता है क्या नहीं होता दिवाली के टाइम पे सीजन नहीं होता है तो क्या होता है स्टोर्ड पल्प मिल जाता है उससे आप मैंगो बना उससे आप आमरस बना सकते हो राइट right? अभी फ्रूट का पल्प स्टोर करके रख सकते हैं सो अगेन क्या हो रहा है टाइम यूटिलिटी जब रिक्वायर्ड है तब अवेलेबल करके दे रहे हैं तब अवेलेबल करके दे रहे हैं सो दैट इज टाइम यूटिलिटी दैट इज टाइम यूटिलिटी क्रिएट है क्लियर so है राइट right? ओके okay. आप फटफट थर्ड -फट देंगे टाइम यूटिलिटी थर्ड लिखेंगे टाइम यूटिलिटी सो नीचे लिखेंगे इट इज क्रिएटेड बाय मेकिंग अवेलेबल द गुड्स एट द टाइम व्हेन रिक्वायर्ड इट इज क्रिएटेड इट इज क्रिएटेड बाय मेकिंग अवेलेबल द गुड्स बाय मेकिंग अवेलेबल द गुड्स एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड राइट right? नीचे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं मैं सिर्फ आपको आपके कुछ पॉइंट्स हाथ के नीचे से जाने चाहिए इसलिए आपको लिखे और लिखने का आदत होना चाहिए इसलिए लिख के दे रहा हूं एंड आपको ये इसका इसका असर भी ध्यान में आएगा कि लिखने से कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है राइट फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मेकिंग एवेलेबल ब्लड बुक्स सीजनल क्लोथ्स मेकिंग एवेलेबल ब्लड बुक्स सीजनल क्लोथ एट द टाइम वेन रिक्वायर्ड एट द टाइम वेन रिक्वायर्ड एट द टाइम वेन रिक्वायर्ड हो गया हो गया ओके चलो फटाफट आगे जाएंगे आगे जाएंगे देन फोर्थ वाला यूटिलिटी सर्विस यूटिलिटी सर्विस यूटिलिटी देखो उस नाम में ही हर एक के नाम में आपको उसका आंसर मिल जाएगा जैसे पहले आपने देखा फॉर्म यूटिलिटी फॉर्म क्रिएट करने से जो मिलता है वो फॉर्म यूटिलिटी प्लेस यूटिलिटी प्लेस चेंज करके जो मिलता है वो प्लेस यूटिलिटी टाइम यूटिलिटी टाइम पे अवेलेबल करके जो होता है वो टाइम यूटिलिटी सर्विस यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करके जो मिलता है वो सर्विस यूटिलिटी सर्विस यूटिलिटी राइट ओके सर्विसेस कौन देंगा? देंगे प्रोफेशनल देंगे प्रोफेशनल देंगे right? okay. पहले तो इट इज क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग द हु प्रोवाइड द सर्विसेज प्रोफेशनल्स राइट डॉक्टर है इंजीनियर है अकाउंटेंट है इवन अदर प्रोफेशनल्स भी है जैसे इवन सलून में जाएंगे प्रोफेशनल है ब्यूटी पार्लर में जाएंगे प्रोफेशनल्स है राइट right. सो so, कोई गेम सीखने के लिए जाएंगे प्रोफेशनल है राइट सो ऑल आर प्रोफेशनल्स जो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं मतलब एवरी प्रोफेशनल इज क्रिएटिंग सर्विस यूटिलिटी बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज राइट ओके यस ये वाला रिलेवेंस देखेंगे इन दिस इन दिस केस द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपने पेन ले लिया आपको लिखने के लिए उसका प्रोडक्शन एक महीने पहले करके रखा है आपने मोबाइल लिया आज प्रोडक्शन दो महीने पहले करके रखा है गाड़ी लिया आज महीना भर पहले प्रोडक्शन करके रखा है आप आज कंजम्पशन कर रहे हो लेकिन सर्विस यूटिलिटी में सर्विस यूटिलिटी में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है तो वो इमीडिएटली रिटर्न बनाएगा फाइल कर देगा मतलब क्या हो गया सर्विस प्रोवाइड कर दी आपका कंजम्पशन हो गया सलून में गए हेयर स्टाइल करना है हेयरस्टाइल बना दिया सर्विसेज दे दिए कंजम्पशन हो गया डॉक्टर के पास गए बीमार है गोलियां दे दी गोलियां ले ली इमीडिएटली ऐसे क्या गोलियां ले ली डॉक्टर साहब बोलेंगे एक महीने के बाद कोर्स स्टार्ट होगा इमीजिएटली होता है मतलब यहां पे प्रोडक्शन भी इमीजिएटली होता है सर्विस का एंड कंजम्पशन भी इमीजिएटली होता है क्लियर है राइट ओके ओके सो हियर सर्विस ऐसी आजकल के जमाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट दे रहे हैं दिखते दो हाथ है लेकिन चार चार हाथ जैसे काम करते हैं राइट right? आप भी बनने के बाद आपको समझ में आएगा राइट ओके देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टीचर्स राइट एंड सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय सिंगर्स राइट देर आर मेनी जैसे अपने बोला मेनी एग्जाम्पल्स आर देर थाउजेंड ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर राइट विद्प ऑफ विच द सर्विस यूटिलिटी इज क्रिएटेड राइट तो फटाफट फोर्थ लिखेंगे सर्विस यूटिलिटी सर्विस यूटिलिटी इट इज क्रिएटेड बाई प्रोफेशनल्स इट इज क्रिएटेड बाय प्रोफेशनल्स बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेस

डॉक्टर सिंगर टीचर्स एटसेट्रा ओके तो अपने चार हो गए नंबर वन फॉर्म यूटिलिटी नंबर टू प्लेस यूटिलिटी नंबर थ्री टाइम यूटिलिटी नंबर फोर सर्विस यूटिलिटी राइट आगे जाएंगे आगे जाएंगे फिफ्थ वन फिफ्थ वन नॉलेज यूटिलिटी नॉलेज यूटिलिटी नॉलेज है तो यूटिलिटी है नॉलेज नहीं है तो यूटिलिटी नहीं है राइट इट इज बिंग नॉलेज किसी चीज का नॉलेज लेने से यूटिलिटी बढ़ता है अपन ने पहले भी देखा यूटिलिटी इंक्रीजेस विथ नॉलेज तो नॉलेज यूटिलिटी नॉलेज है यूटिलिटी है नॉलेज नहीं है यूटिलिटी नहीं है से फॉर एग्जांपल आपको कार चलाने नहीं आती है नॉलेज नहीं है आपको कार की कोई यूटिलिटी है नहीं मतलब ड्राइविंग ऐसे नहीं तो आप ड्राइवर रख के किधर भी जा सकते हैं वो अलग राइट राइट तो यहां पे आपको अगर नॉलेज नहीं है तो यूटिलिटी नहीं है राइट और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की अगर नॉलेज जैसे जैसे नॉलेज बढ़ते जाएगा वैसे यूटिलिटी बढ़ते चली जाएगी राइट ओके सो इट इज क्रिएटेड बाई फिलिंग द नॉलेज गैप यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस वेन कंज्यूमर अक्वायर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट ऑल्सो कैन क्रिएट द नॉलेज यूटिलिटी बहुत सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज क्रिएट किया जाता है जैसे एग्जाम्पल देख लो टूथपेस्ट आपका टूथपेस्ट है राइट पहले तो अपन पुराने जमाने में अभी आपको मालूम नहीं आपके पेरेंट्स को मालूम होगा राइट वीको वज्रदंती और कोलगेट इतना ही घर में था वीको वज्रदंती और कोलगेट बस इतना ही ध्यान में था मतलब कोलगेट का इतना मोनोपोली था कोलगेट का इतना मोनोपोली था कि आज भी बहुत सारे घरों में कोलगेट है क्या पूछते हैं मतलब कोलगेट मतलब मतलब वो पूछते हैं क्लोजअप की कोलगेट है क्या तो क्लोजअप की कोलगेट है क्या इसका मतलब क्लोजअप की टूथपेस्ट है क्या तो इतना बड़ा व्हाट वी कैन से इंप्रेशन था कोलगेट कंपनी का नहीं लेकिन अभी आज के डेट में बहुत सारी कोलगेट uh, बहुत सारी uh, टूथपेस्ट आ गई राइट right, अभी आपको क्या क्या अभी क्या क्या नहीं मिलता है कोलगेट मतलब दिस टूथपेस्ट में मतलब आपके न, नमक भी होता है या अभी अपने को पता चला नमक होता है पहले तो लौंग इलायची मालूम था अभी तो नमक भी है अभी तो मिट्टी भी होता है और अभी तो भी होता है अभी तो चारकोल भी होता है राइट तो पता नहीं क्या क्या है लेकिन यह नॉलेज से पता चला नॉलेज से पता चला राइट right? ओके okay. तो नॉलेज से भी आपका यूटिलिटी बढ़ता है सो दैट इज नॉलेज यूटिलिटी नॉलेज नहीं है तो यूटिलिटी नहीं है नॉलेज है तो यूटिलिटी है राइट right? ओके okay. जैसे फॉर एग्जांपल आपने नया कंप्यूटर ले लिया पहले तो सोच सोच के थक जाते हो सोच सोच के थक जाते हो कि यार ये कंप्यूटर लिया चलाना कैसे है? मतलब अभी आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैं आपके पेरेंट्स ने अगर लिया होगा तो लेकिन बिकॉज आपको तो क्या है कुछ चीज आने से पहले ही पता चल जाती है वो यूज कैसे करनी है राइट लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखेंगे नया नया कंप्यूटर लिया है तो आप देख रहे हैं यहां पे राइट कि क्या कैसे यूज करना है क्या करना है लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ते चला जाएगा जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ते चला जाएगा थोड़े बहुत बटन हो जाएंगे चालू राइट अरे हाँ ये ऐसे चालू हो जाएगा आयन में तो ये चालू हो जाएगा राइट तो थोड़ा सा सम नॉलेज मिल जाएगा एंड फिर एक बार आपको सब पता चल गया तो खड़खड़ 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 खड़, 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 खड़ चालू हो जाएगा आपका परेशान हो जाएंगे घर के लोग उस खड़खड़ से क्यों आप यूज कर रहे है इतना नॉलेज आ गए ना राइट गेट फुल नॉलेज यहां पे गेट सम नॉलेज तो थोड़ा थोड़ा चालू हो जाएगा यहां पे गेट फुल नॉलेज सब नॉलेज आ गया मतलब मेजोरिटी नॉलेज आ गया तो आप नॉलेज के साथ देखो यूटिलिटी कैसे बढ़ गया आपका राइट पहले नॉलेज नहीं था यूटिलिटी नहीं था अभी नॉलेज बढ़ गया यूटिलिटी बढ़ गई क्लियर है क्लियर है राइट ओके सोलो आंसर आगे का लिखेंगे फिफ्थ हेडिंग देंगे नॉलेज यूटिलिटी नॉलेज यूटिलिटी इट इज क्रिएटेड नीचे लिखना इट इज क्रिएटेड बाय अक्वायरिंग द नॉलेज इट इज क्रिएटेड बाय अक्वायरिंग द नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर प्रोडक्ट अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एग्जाम्पल पे न्यू कंप्यूटर न्यू मोबाइल न्यू कार लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल न्यू कंप्यूटर न्यू कार न्यू मोबाइल बहुत सारे न्यू कमोडिटीज आपको मालूम है पांच यूटिलिटी अपनी होगी नंबर वन फॉर्म यूटिलिटी प्लेस यूटिलिटी टाइम यूटिलिटी सर्विस यूटिलिटी नॉलेज यूटिलिटी और एंड लास्ट वन देखेंगे पजेशन यूटिलिटी लास्ट देखेंगे पजेशन यूटिलिटी पजेशन देना पजेशन देना मतलब हैंडिंग द डिलीवरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर जनरली सेलर टू बायर जनरली सेलर टू बायर राइट हैंडिंग ओवर द गुड पजेशन ट्रांसफर करना पजेशन ट्रांसफर कर देना राइट right? तो यहां पे इट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर तो ओनरशिप देना उसके साथ पजेशन भी दे देना राइट right? ओके okay. जैसे फॉर एग्जाम्पल बायर है सेलर है बायर जो है वो सेलर जो है वो गुड्स का पजेशन uh, uh, जो है वो सेलर जो है गुड्स का पोजेशन दे रहा है बायर को पैसे ले रहा है पोजेशन दे रहा है जेशन देने से क्या हो रहा है पजेशन देने से क्या हो रहा है ये जो गुड्स है ये बायर उसका मालिक बन रहा है ओनर बन रहा है नहीं, तो पजेशन यूटिलिटी मतलब अभी क्या हुआ पजेशन यूटिलिटी मतलब वो कमोडिटी बायर के हाथ में आ गई अभी बायर यूज कर सकता है अभी बायर यूज कर सकता है सो दैट इज द पजेशन यूटिलिटी दैट इज पजेशन यूटिलिटी राइट पोजीशन चेंज करने से यूज चालू हो जाता है सो हियर व्हेन ओनरशिप ऑफ अ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर जब सेलर बायर को पोजीशन दे देता है देन यूटिलिटी हो जाता है राइट right? यूटिलिटी हो जाता है मतलब वो बायर यूज करना स्टार्ट करेगा क्लियर ओके तो लास्ट देंगे पोजीशन यूटिलिटी लास्ट देंगे पजेशन यूटिलिटी जेशन यूटिलिटी नीचे लिखेंगे इट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग इट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑब्लिक में लिखना पजेशन इट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑब्लिक पजेशन ऑफ गुड्स पजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर from one person to another for example when ownership of goods is transferred from seller to buyer for example when ownership of goods is transferred from seller to buyer from when ownership of goods is transferred from seller to buyer खत्म खत्म सो दीज आर दिक्स टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज फिर से रिपीट करेंगे अभी आप बोलेंगे अभी आप बोलेंगे मैं सिर्फ नंबर दूंगा राइट right? ओके okay, अभी सब आप बोलेंगे नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव एंड नंबर सिक्स करेक्ट करेक्ट मैंने आपको बोला है आपने दिल से दिया हुआ आंसर मेरे यहां तक पहुंच आएगा यहां तक पहुंचेगा उसकी चिंता मत करना राइट ओके ओके सो यर ये अपन ने देख लिया अगेन फॉर्म यूटिलिटी प्लेस यूटिलिटी टाइम यूटिलिटी सर्विस यूटिलिटी पोजेशन यूटिलिटी नॉलेज यूटिलिटी राइट ओके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए राइट right? ओके okay, अभी नए नेक्स्ट इसमें जाएंगे यूटिलिटी के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे अपन यूटिलिटी के बारे में और पढ़ेंगे मीनिंग थोड़ा सा अभी क्वांटिटेटिव टर्म्स में पढ़ेंगे मीनिंग और थोड़ा क्वांटिटेटिव टर्म्स में पढ़ेंगे राइट ओके सो हियर एक एग्जांपल से देखेंगे इसको अ पर्सन इज ईटिंग द मैंगो अभी यहां पे मैंगो अपने यहां पे एग्जांपल में अपन रखते हैं राइट मैंगो एग्जाम्पल में रखते एक पर्सन को मैंगो खाने के लिए देंगे वन बाई वन और फिर उसका यूटिलिटी काउंट करेंगे अभी यहां पे एक चीज ध्यान में रखना एजम्पन दे रहे हैं बेसिक एजम्पन दे रहे हैं क्या यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड किसमें क्वांटिटी में, में. इसलिए उसको कौन सा कॉन्सेप्ट बोलेंगे करेक्ट कार्डिनल कॉन्सेप्ट तो अ पर्सन ईटिंग मैंगोज वन बाय वन हिज यूटिलिटी नंबर कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलो उसका नंबर में अपन यूटिलिटी यहां पे अभी यहां पे देखिए कॉलम बनाने नंबर टोटल यूटिलिटी एयू एवरेज यूटिलिटी एमयू मार्जिनल यूटिलिटी ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी एवरेज यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी राइट ओके ओके नाउ फर्स्ट मैंगो दिया खाने के लिए ध्यान से सुनना है वेरी सिंपल लेकिन थोड़ा अटेंशन चाहिए नहीं right? ओके okay. एक मैंगो दिया खाने के लिए एक मैंगो खाने के लिए दिया और उसको पूछा कि भैया कितना पेड़ भरा आपको अभी देखो अपना एडमशन क्या है क्वांटिटी में बोल सकते हैं राइट तो फिर उसने चेक किया आ, सर दस पेड़ भरा एक यूनिट खा के कितना पेड़ भरा उसको दस पेड़ भरा फिर सेकंड दिया फिर एग्जांपल भी ये एक कॉलम अभी पहले कंप्लीट कर लेते फिर अपन टोटल यूटिलिटी कंप्यूट करते फिर दूसरा दिया मैंगो फिर तीसरा मैंगो दिया फिर फोर्थ दिया और फिर फिफ्थ दिया टोटल कितने मैंगोज खिलाने उसको अपने पांच मैंगोज खिलाने टोटल कितने मैंगो खिलाने अपने को ये one by one by one by one अपने को ये अपने मैंगो पहले उसका पहला मैंगो देंगे खाने के लिए फिर दूसरा देंगे फिर तीसरा देंगे फिर चौथा देंगे फिर पांचवा देंगे राइट ओके 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 अभी पहला मैंगो उसने खा लिया फर्स्ट मैंगो उसने खा लिया पहला मैंगो खाने के बाद उसको पूछा कि भैया कितना पेड़ भरा तो बोला टेन पेड़ भरा अभी बोल सकते हैं ना अभी बोल सकते हैं देन दूसरा मैंगो खाया फिर पूछा टोटल कितना पेड़ भरा फिर वो बोला उसने फिर से चेक किया कितना पेट में चेक किया कितना है एटीन एटीन टोटल दो मैंगो खाने के साथ उसको टोटल यूटिलिटी मिला एटीन का फिर तीसरा मैंगो खाया तीसरा मैंगो खाने के बाद फिर से चेक किया पेट कितना पेड़ भरा फिर बोला ट्वेंटी फाइव है मुझे ट्वेंटी फाइव पेड़ भरा करके फिर उसने फोर्थ मैंगो दे दिया फिर से चेक किया फिर बोला थर्टी वन और पांच मैंगो खाने के बाद उसको पूछा भैया अभी देख कितना है वो थर्टी फाइव तो ये अपन वो ये उसने अपने पास नंबर दे दिए ये नंबर उसने अपने को दे दिए कि पहला मैंगो खाया टोटल दस पेड़ भरा तो, मतलब टोटल क्या है टोटल टेन यूटिलिटी मिला दूसरा मैंगो खाया 18 यूटिलिटी हुआ तीसरा मैंगो खाने के बाद टोटल 25 यूटिलिटी हुआ देन फोर्थ अभी ये यूटिलिटी मिला तो ये यूटिल्स में काउंट कर रहे हैं ना अपन देखा यूनिट ऑफ मेजर यूटिल्स है तो 10 यूटिल्स 18 यूटिल्स 25 चार मैंगो खाने के बाद उसका चेक किया 31 यूटिल्स एंड पांच मैंगो खाने के बाद 35 यूटिल्स तो ये टोटल हो गए ये टोटल यूटिलिटी हो गई इस अभी एवरेज यूटिलिटी अभी एवरेज कैसे निकालना है आपको मालूम है राइट एवरेज कैसे निकालेंगे ये केस में अपन इट टोटल यूटिलिटी इट इज टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर करेंगे सिंपल एवरेज निकालना है राइट सिंपल एवरेज निकालना है मतलब यहां पे क्या करेंगे फर्स्ट टेन डिवाइड बाय वन टेन आएगा देन सेकेंड केस में एटीन डिवाइडेड बाय टू एवरेज दो मैंगो का यूटिलिटी 18 मतलब एवरेज एक मैंगो का यूटिलिटी 9 देन फिर थर्ड 25 टोटल यूटिलिटी बाय 3 सो इट इज 8.3 पर मैंगो एवरेज आ गया देन यहां पे 31 डिवाइड बाय 4 पर मैंगो आ गया आपका 7.8 एंड यहां पे 35 फाइव डिवाइड बाई फाइव मतलब पर मैंगो आ गया आपका 7 7 अच्छा अभी सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी अभी ध्यान देना अभी सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे सिंपल ऑल्सो मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी अभी मार्जिनल यूटिलिटी का देखिए आप मार्जिनल मतलब एडिशनल मार्जिनल मतलब एडिशनल तो अभी यहां पे फर्स्ट मैंगो लिया फर्स्ट मैंगो खाने के बाद उसको यूटिलिटी मिटा टेन एवरेज यूटिलिटी भी टेन एंड उसका मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना आएगा टेन ही आएगा राइट right? बिकॉज उतना एक से एडिशन हुआ टेन का एडिशन एक मैंगो एड हुआ टेन यूटिलिटी एड हुआ मतलब उस एक मैंगो ने कितना यूटिलिटी दिया टेन दिया टेन दिया राइट ओके नाउ नाउ सेकेंड मैंगो ने कितना मार्जिनल मार्जिनल मतलब यहां पे मैं ध्यान में रखो मार्जिनल मतलब एडिशनल मार्जिनल मतलब एडिशनल तो एडिशनल यूटिलिटी कितना दिया जब उसने सेकेंड मैंगो खाया तो दो मैंगो का यूटिलिटी 18 है लेकिन सेकेंड वाले मैंगो ने कितना यूटिलिटी दिया सो इट इज इट इज एट दिया इट इज एट यूटिलिटी दिया बिकॉज फर्स्ट मैंगो एक मैंगो का टोटल यूटिलिटी 10 था दो मैंगो खाने के बाद टोटल यूटिलिटी एट मिला सॉरी एटीन हुआ मतलब एडिशनल जो सेकंड मैंगो है उस सेकंड मैंगो ने अपने को कितना एडिशनल यूटिलिटी दिया एट दिया वो यहां पे एट आ गया मतलब यहां पे एक यूनिट बढ़ाया और यहां पे यूटिलिटी कितना बढ़ा एट से बढ़ा सेकंड यूनिट ने मतलब सेकंड मैंगो ने अपने को कितना यूटिलिटी दिया एट दिया इसलिए इसको बोलेंगे मार्जिनल मतलब एडिशनल यूटिलिटी एडिशनल मतलब यहां पे अपने को फर्स्ट मैंगो ने कितना यूटिलिटी दिया है टेन दिया है राइट right. ये सभी फर्स्ट मैंगोज है सभी ये सभी फर्स्ट मैंगोज है तो इन्होंने अपने को टेन यूटिलिटी दिया है राइट right. अच्छा सेकेंड मैंगो ने कितना यूटिलिटी दिया अपने को एट यूटिलिटी दिया तो ये दोनों का मिलके टेन प्लस एट ये कितना हो गया एटीन राइट right. तो फर्स्ट मैंगो ने दिया टेन और सेकेंड मैंगो ने दिया एट ऐसे दोनों ने मिलके कितना दिया 18 इसलिए टोटल यूटिलिटी 18 है और एडिशनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो 8 है और एडिशनल यूटिलिटी को क्या बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूटिलिटी को क्या बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर है राइट ओके नाउ तीन मैंगो खाके टोटल यूटिलिटी कितना मिला है उसको अभी यहां पे तो 8 है इसका टोटल यूटिलिटी मिला 25 तो उसमें से 25 दे दिया सेकेंड मैंगो तक यूटिलिटी है 18 अभी एडिशनल एक मैंगो बढ़ाया आपने इसलिए एडिशनल यूटिलिटी कितना मिला 20 18 से 25 मतलब एडिशनल यूटिलिटी कितना मिला उसको 7 मिल गया 7 मतलब थर्ड मैंगो खाने के बाद उसको थर्ड मैंगो का यूटिलिटी कितना बढ़ा 7 सेकंड मैंगे तक टोटल यूटिलिटी था 18 तीन खाने के बाद हुआ ट्वेंटी फाइव मतलब थर्ड ने कितना एडिशन दिया सेवन तो यहां पे अपने ये सेवन हो जाएगा ये सेकंड एट है ये सेवन आ जाएगा ये सेवन आ जाएगा क्लियर है क्लियर है तो इसलिए यहां पे मार्जिनल को बोलेंगे additional. एडिशनल एडिशनल राइट अच्छा अभी चार मैंगो खाए अभी थर्ड मैंगो तक टोटल यूटिलिटी था 25 चार मैंगो के बाद हो गया 31 मतलब फोर्थ वाले मैंगो ने कितना यूटिलिटी दिया वो दिया सिक्स वो दिया सिक्स राइट right. मतलब फोर्थ मैंगो का मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा सिक्स होगा राइट right. एंड फिर पांच मैंगो खाने के बाद टोटल यूटिलिटी 35 फोर मैंगो तक था 31 फाइव खाने के बाद 35 तो फिफ्थ वाले मैंगो ने कितना यूटिलिटी दिया फिफ्थ ने दिया फोर्थ क्लियर हो गया क्लियर हो गया राइट सो हियर इसलिए अपन बोलते मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ध्यान से सुनना एडिशनल यूटिलिटी क्रिएटेड बाय कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट एक यूनिट बढ़ाओ फिर उस यूनिट ने कितना यूटिलिटी दिया एडिशनल उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी जैसे यहां पे सेकंड मैंगो ने आपको दिया एट यूटिलिटी थर्ड मैंगो ने दिया सेवन यूटिलिटी फोर्थ मैंगो ने दिया सिक्स यूटिलिटी और फिफ्थ मैंगो ने दिया फोर यूटिलिटी तो ये सभी क्या हो गया इसके मार्जिनल यूटिलिटी हो गई मार्जिनल यूटिलिटी हो होगी राइट right? और एक चीज यही पे देख लो आगे जाके भी देखेंगे इससे पहले भी अपन ने देखा पहले एग्जाम्पल अपन ने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऐसे जस्ट पढ़ा था आपके एग्जाम्पल के साथ पानी आप पी रहे थे पहला ग्लास पी लिया फिर सेकेंड ग्लास पी लिया फिर थर्ड ग्लास पी लिया राइट तो सेकेंड ग्लास ने पहले ग्लास से कम सेटिस्फेक्शन दिया थर्ड ग्लास ने सेकेंड ग्लास से कम सेटिस्फेक्शन दिया सेम चीज यहां पे मिल रही है सेम चीज यहां पे मिल रही है आपको देखो यहां पे क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है यहां पे आपको एवरी एडिशनल एक मैंगो खाया टेन यूटिलिटी दूसरा खाया एट तीसरा खाया सेवन फिर सिक्स फिर फोर मतलब जैसे जैसे मैंगो खा रहे हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रहा है नहीं आगे जाके लॉ में भी अपन पढ़ने वाले हैं लेकिन यहां पे भी वो नजर एक देख लेना क्लियर है क्लियर है जैसे जैसे मैंगो तो अपन खा रहे हैं वैसे वैसे यहां पे अपना यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कम 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 होते चला जा रहा है राइट सो होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग आगे फिर से इसको अपन रिपीट करेंगे लेकिन यहां पे जैसे आप utility, जैसे आप यूटिलिटी जैसे जैसे कंजम्पशन कर रहे हैं वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है मतलब ही टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट पहले फर्स्ट मैंगो ने टेन का एडिशन दिया टोटल यूटिलिटी में सेकेंड मैंगो ने एट का दिया थर्ड मैंगो ने सिक्स का दिया सेवन का दिया फिर फोर सिक्स का दिया फिर फोर का दिया राइट टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ये अपन लॉ में और अच्छी तरह से देखेंगे और क्लियरली देखेंगे लेकिन यहां पे सिर्फ अपने को मीनिंग समझना था तीनों टर्म का तो यहां पे और एक चीज अपन देखेंगे यहां पे एक ऑब्जर्व कर रहे हैं देखो इन सब इंडिविजुअल का अपन टोटल करेंगे इंडिविजुअल यूटिलिटीज मार्जिनल यूटिलिटीज का अगर टोटल करेंगे तो ये अपने को ये टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटीज का अगर अपन टोटल करेंगे तो अपने को ये टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा राइट right? जैसे यहां पे देखो टेन है मतलब क्या हो रहा है अगेन और एक चीज अपने को मिली और एक स्टडी मिल गया क्या मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल मतलब टोटल यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल मतलब टोटल यूटिलिटी है और सिंपल है ना बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस है मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस है राइट क्यों ने देखा यहां पे मार्जिनल ये टेन टोटल यूटिलिटी एटीन हो गया है. मतलब कितना डिफरेंस है एट ये हो गया इसका सेकंड का मार्जिनल यूटिलिटी फिर से 18 25 माइनस 18 7 हो गया मार्जिनल यूटिलिटी देन 31 माइनस 25 हो गया मार्जिनल यूटिलिटी देन 35 माइनस 31 हो गया 4 तो इनका मार्जिनल यूटिलिटी एडिशन करेंगे तो टोटल यूटिलिटी मिलना ही मिलना है ना बिकॉज़ टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस मार्जिनल यूटिलिटी है क्लियर है क्लियर है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है यस yes. यस yes. राइट सो हियर मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्शन ऑफ एडिशनल यूनिट एडिशनल यूनिट क्लियर है राइट इसका मीनिंग भी अपन देखेंगे फॉर्मूले भी देखेंगे राइट ओके आपने हेडिंग देना है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी हेडिंग देना है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एंड उसके आगे पर्सन इज ईटिंग द मैंगो वन बाई वन ये एज इट इज लिखना है पर्सन इज ईटिंग द मैंगो वन बाई वन एंड यूटिलिटी इन नंबर कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलोज और आपने ये टेबल लिख लेना है अच्छा ठीक है पहले ये तो लिख दो द मैंगोज वन बाय वन पर्सन इज ईटिंग द मैंगोज वन बाय वन मा हिज यूटिलिटी नंबर कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलो ओके फिर आपने क्या करना है कॉलम बनाना है ठीक से स्केल पेंसिल यूज करना है ठीक से रफ नहीं लिखना है ये राइट इट नीटली एंड क्लीनली राइट सो दैट आपकी बुक जो है वो अगेन एंड अगेन अगेन एंड यूज हो जाए अगेन एंड अगेन यूज हो जाए आपसे नहीं किसी और के लिए काम में आ जाए आप पे लिए क्यों काम में आना है फिर से राइट right? एक ही बार बहुत हो गया अपने लिए राइट right? और इतने सिंपल सिलेबस के लिए तो एक भी बहुत हो गया राइट ओके सो यहाँ पे ये ठीक से कॉलम करना है ये नंबर टोटल यूटिलिटी एवरेज यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी टी यू माने टोटल यूटिलिटी एयू एवरेज यूटिलिटी एम यू मार्जिनल यूटिलिटी कॉलम ना ठीक से लिख देना ये लेना वन टू थ्री फोर फाइव टोटल यूटिलिटी एवरेज यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी एज इट इज ये कॉलम ले लेना नंबर में वन टू थ्री फोर फाइव टी यू लिखते समय आप टोटल यूटिलिटी पूरा लिखना नहीं तो जब रिवीजन uh, के लिए बैठोगे अरे टीयू मतलब क्या है रे? पूरा लिखना टोटल यूटिलिटी एयू एवरेज यूटिलिटी एंड एमयू मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी वन टू थ्री फोर फाइव नंबर में लिखना है टोटल यूटिलिटी एटीन

सेवेन एंड मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी टेन एट सेवन सिक्स एंड फोर एंड फोर राइट ले लिया यह पूरा चार्ट ले लिया पूरा चार्ट राइट ओके सो हियर विल स्टॉप विल स्टॉप हियर एंड ये जो अपन ने डिस्कशन किया है इसको कल कंटिन्यू करेंगे राइट right? सो so, और ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसके राइट ओके होप इतना जो अंडरस्टैंड इतना जो सिखाया है वो पूरा अंडरस्टैंड हो गया है एक बार सब हा बोलो ये सर नो ये देखो यहां तक सुनाई दिया यस yes. राइट right? तो इसी तरह से करेंगे सो थैंक यू वेरी मच कल मिलेंगे बाय बाय